हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैसी टैरेट। कैसे हैं आप सभी लोग? होप अच्छे होंगे। देखते हैं आप दोनों की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो प्लीज़ एंजल्स गार्जियन, एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ये आपके पर्सन की हैं, ये आपकी हैं, देखते हैं। ओके, आप तो कुछ छिपाते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। कुछ तो है जो अपने दिल में आपने दबा के रखा हुआ है, जिसको आप शायद जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं। और हो सकता हो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ पॉजिटिव वे में हो कि वो जाहिर इसलिए भी नहीं करना चाह रहे हैं कि शायद उस जाहिर करने से चीज़ें ख़राब ना हो जाएं। ये डर भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बट मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपके साथ तो रिवील कीजिए। मन में रखने से कुछ नहीं होगा, रिवील कीजिए। अच्छा है बुरा है जो भी है, अपने पार्टनर से आप कहिए, ताकि यही चीज़ें फ्यूचर में जाके ख़राब ना हो आपके साथ। आज हम जो सोचते हैं ऐसा नहीं करूँगा वैसा नहीं करूँगा, ताकि उसको हर्ट ना हो, लेकिन जब वो किसी और से चीज़ें पता चलती हैं तब सामने वाले को सबसे ज़्यादा दर्द होता है और सबसे ज़्यादा पेनफुल में होता है। ओके, निकलना चाहते हैं आप किसी सिचुएशन से यहाँ पर। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं किसी सिचुएशन में तो उस सिचुएशन से आप निकलना चाहते हैं यहाँ पर। शायद मुझे लग रहा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं अगर किसी बात से, तो उस डिस्टर्बेंस से निकलना चाहते हैं। अगर मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उससे निकलना चाहते हैं। थोड़ा सा खुद को थोड़ा सा शांत कीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि पीसफुल एनवायरनमेंट में आप खुद को लेकर जाइए, थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट कीजिए, थोड़ा सा उसमें समय बिताइए, ताकि जो आप ये शांति ढूंढ रहे हैं ना, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जो शांति आप चाह रहे हैं ना, वो शांति आपको घर में बैठे बैठे नहीं मिलेगी। खुद को थोड़ा सा ओपन अप करिए यहाँ पर। जो शांति आप चाह रहे हैं वो शांति आपको घर पे नहीं मिलेगी, बैठने से नहीं मिलेगी। थोड़ा सा खुद को खुली जगह में लेकर जाइए। ओके, किसी तरीके का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे आप ऐसा क्यों लग रहा है, बहुत से लोग यहाँ पर कुछ इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो हो सकता है उनका काम भी हो सकता है, वो हो सकता है उनका रिलेशन हो, मैसेज हो, कॉल हो, कुछ भी है। यहाँ पर मुझे इंतज़ार की वो चीज़ नज़र आ रही है। और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर कुछ डिसीज़न में भी फंसे हुए हैं। शायद वो डिसीज़न यहाँ पर हो सकता है कि वो आप ले नहीं पा रहे हैं जिनसे आप निकलना चाहते हैं। मे बी जहाँ ऐसा कोई डिसीज़न है, ऐसी कोई बात है जिसमें आपको सोचने समझने में दिक्कत हो रही है कि आप क्या करें क्या ना करें, तो उस सिचुएशन से यहाँ पर आप निकलना चाहते हैं, इसके साथ में जाना चाहते हैं कि मैं निकल जाऊँ और मुझे जो जो मैं परेशान हूँ उस परेशानी को मैं ख़त्म कर पाऊँ यहाँ पर। थोड़ा सा खुद को इमोशनल कम कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको रोना आ रहा है, उस चीज़ को भी यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए आप, ताकि जो चीज़ें सही हो सकें। खुद को परेशान मत कीजिए ज़्यादा। ओके, कुछ लोग यहाँ पर खुश नहीं हैं। अगेन वही एनर्जी यहाँ पर आ गई, खुश नहीं है। ऐसी कोई चीज़ें हैं उनके रिलेशन में हैं जो उनको खुश नहीं रख पा रही हैं, सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं चीज़ों से। शायद जो उनके पास है, जो 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 चीज़ चल रही है, वो उसी में रहना पसंद कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर सामने से चीज़ें क्या आ रही हैं, क्या मिल रहा है, क्या है, ऐसा कुछ देखना चाह ही नहीं रहे हैं। वो उदास हैं, पता नहीं क्यों आप लोग उदास दिख रहे हो मुझे। और उदास इसलिए भी दिख रहे हो क्योंकि यहाँ पर जो आप चाह रहे हो, निकलना जिन चीज़ों से चाह रहे हो, उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं आप यहाँ पर। ओह माय गॉड, यस अगेन। तो चीज़ों को फिर से वही बात यहाँ पर आ गई, आप गुड लक ढूंढ रहे हैं, अपना लक ढूंढ रहे हैं, कब सब चीज़ें क्लियर होंगी, कब मेरा चीज़ आएगा, कब मेरा गुड लक स्टार्ट होगा, कब मेरी चीज़ें ठीक होंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये चीज़ करियर के लिए उनके हो सकता है यहाँ पर, कि उनका करियर सेटल नहीं हो पा रहा है, करियर को लेकर वो शायद परेशान हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का करियर भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जिससे रेजोनेट कीजिएगा, सिर्फ उससे ही लीजिएगा, उसको वही लीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली एक नया चैप्टर अपने लाइफ में ढूंढ रहे हैं, चाहे वो रिलेशन के साथ हो, चाहे वो आपका पर्सनल हो, बट यस डेफिनेटली आप यहाँ पर कुछ नया ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं, सक्सेस चाह रहे हैं जिन चीज़ों में आपको मिल नहीं रही है, जब बहुत ज़्यादा घबराहट में है। तो अगर तो प्लीज़ आप नेचर से कनेक्ट कीजिए, जिस घबराहट से निकलना चाह रहे हैं वो उस पर थोड़ा सा काम कीजिए। देखते हैं आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं। ये तो आपकी हो गई। ओह माय गॉड, वो फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी चीज़ों पर,
अपने काम में, अपने अपने जो भी अगर आप हैं तो आप पे फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, चोरी चोरी आपको देखना भी चाह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, नज़र भी रख रहे हैं आपके पर्सन आपके ऊपर यहाँ पर बट यस थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। ओवरऑल कह सकती हूँ कि वो अपने चीज़ों पे, अपने रिश्तों पर, जैसा भी उनका सिचुएशन चल रहा होगा उस पर वो फिलहाल ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा इमोशनल भी हैं, इमोशनल हैं कि शायद जिस चीज़ पर जो चीज़ वो चाह रहे हैं, जो उनकी डिज़ायर चीज़ें हैं, शायद उस चीज़ को वो धीरे धीरे पाने लगे हैं। इस चीज़ के लिए वो थोड़ा सा इमोशनल हो रखे हैं। थोड़ा सा आपको लेकर मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि जिनकी बात हो रही है पॉजेसिव भी नज़र आ रहे हैं, आपको खोने से भी मुझे लग रहा है यहाँ पर डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो चीज़ें आप दोनों के बीच में बैठ नहीं रही हैं, बैलेंस नहीं हो रही, शादी कमिटमेंट जो भी, तो उस चीज़ को खोने का डर भी यहाँ पर मैं कुछ लोगों का देख पा रही हूँ कि उनको ये डर सताता हुआ नज़र आ रहा है। बट कुछ भी हो वो आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पे आपके पर्सन। बहुत ही पीसफुल माइंड में है, बहुत ही काम सिचुएशन से धीरे धीरे करके अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं आपके पर्सन। अभी इस वक्त जो है वो यही सोच रहे हैं कि मुझे धीरे धीरे करके अपनी चीज़ों को ठीक करना है, ग्रो करना है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। ओवरऑल वो मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को अब धीरे धीरे हैंडल करना शुरू कर रहे हैं, इसीलिए शायद ये कार्ड भी पहला उनका यही आया कि उन्होंने अब अपनी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, काम करना शुरू कर दिया है अपनी चीज़ों पर। ओके माय गॉड, इमोशनल मैंने बोला था ना, कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा सा अपसेट हैं, अपसेट हैं जो कि जो शायद चीज़ें उनके मन की मन मुताबिक नहीं हो पा रही, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा वो नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इमोशनल हैं। और कुछ लोग थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्टफुल भी दिख रहे हैं, शायद किसी तरीके का ब्रेक थ्रू उनकी लाइफ में आया हुआ है जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उन्होंने, वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो थोड़ा सा पेन में है, स्टक है, अगेन स्टक है यहाँ पर। समझने की शक्ति अभी तक उनको नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में है, पेनफुल सिचुएशन में है, और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। शायद ये दर्द से की वजह से जो ये पेन इनको मिला हुआ है, किसी भी चीज़ से, आपसे मिला हो या अदर किसी से मिला हो, तो इस चीज़ में स्टक हैं कि वो क्या करें क्या ना करें। तो बहुत ज़्यादा खुद को परेशान भी कर रखा है, बहुत ज़्यादा खुद को अकेला भी कर रखा है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर अच्छी पोजिशन पर नज़र आ रहे हैं, बट यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन इमोशनल हैं, रोना भी आ रहा है उन्हें, दुखी भी हैं, हर्ट भी हैं, और खुद को शायद बहुत ज़्यादा अकेलापन भी उनको महसूस हो रहा है यहाँ पर। बहुत तेजी से अपने चीजों को पाना चाहते हैं, इसीलिए शायद शायद वो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई थी, बहुत तेजी से अपने चीजों को काम करना चाहते हैं, अपने पाना चाहते हैं, जो चीजें उनको नहीं मिल पा रही उन चीजों को बहुत तेजी से पाना चाहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, पर यहाँ पर मैं यही राय दूंगी कि बहुत तेजी से पाने के चक्कर में जो है वो ना छूट जाए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ध्यान से चीजों को कीजिए ताकि बिगड़े ना चीजें। तो ये थी रीडिंग आप दोनों की करंट फीलिंग्स की। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं, सभी के लिए है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।